तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSCB अपडेट। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर के हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले यानी कि बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक का भी सेंटअप एग्ज़ाम ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज में ख़त्म हो चुका है, और साथ ही साथ आप लोग को बता दें मैट्रिक और इंटर का जो पैटर्न भी पता चल गया है सभी दोस्तों को यहाँ। तो आप लोग को जो बता दें कि मैट्रिक और इंटर का पैटर्न भी आप लोग को जैसा कि पता चल गया होगा, जितने भी स्टूडेंट सेंटअप एग्ज़ाम दे दिए, इंटर वाले ने सेंटअप एग्ज़ाम दे दिया और मैट्रिक वाले भी सेंटअप परीक्षा दे दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग का इस बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो अब बात करें कि 2023 के एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कौन सा पैटर्न रहने वाला है, तो सारा जानकारी आप लोग वीडियो में लेने वाले हैं। आप लोग जो है जितने भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप के मतलब ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ भी आप लोग ग्रुप में जो है जैसा कि बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 2023 में एग्जाम जरूर जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है। तो सारा खबर जानने के लिए आना है क्रोम ब्राउज़र, यहाँ सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च कर देना है, और यहाँ जो आप लोग को वेबसाइट दिख रहा होगा इस पे आप लोग को आ जाना है, ठीक है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सारा जानकारी मिलेगा, ठीक है। आप लोग को बता दें कि यहाँ देखिए, यहाँ जो न्यू अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग का जो यहाँ पे आप लोग एक बार जरूर रिफ्रेश करिएगा, रिफ्रेश जरूर करना है। रिफ्रेश करने के लिए आप लोग करना क्या है, एक बार मतलब कि फिर से वेबसाइट को करना है। देखिए यहाँ बिहार बोर्ड 2023 एग्जाम पैटर्न क्लास 12th 2023 में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसा कि हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 2023 के लिए मैट्रिक का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव इस बार पूछा गया। तो जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड सेंटअप एग्ज़ाम क्यों लेता है, क्योंकि जिससे पता चलता है कि बच्चा जो है मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम का में इस टाइप का जो तैयारी करके बोर्ड एग्ज़ाम मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी टाइप का जो बोर्ड एग्ज़ाम की तरह सेंटअप एग्ज़ाम लिया जाता है, ताकि बच्चा जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले एक बार एक्सपीरियंस कर ले कैसा एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसलिए आप लोग का सेंटअप बोर्ड एग्ज़ाम में भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो 2022 तक का सेंटअप परीक्षा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहने के कारण सभी विद्यार्थियों को उज्जवल डाला गया, 60 पर ऑब्जेक्टिव रहेगा या 100%। तो उतना देखिए 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव भी उतना ही रहेगा जितना 2023 के मॉडल पेपर में रहेगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर का इंतजार मतलब कि जो आप लोग कर रहे हैं, तो मॉडल पेपर जो आप लोग का नवंबर के लास्ट में आएगा, यानी कि आप लोग जो है 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच आप लोग का मॉडल पेपर जो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, तो उसमें तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पता ही चलेगा, लेकिन अभी जो आप लोग को जितना चांस बन रहा है इस बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, आप लोग जो तैयारी शुरू कर दीजिए, और जो भी छात्र मैट्रिक का सेंटअप परीक्षा दे चुके हैं आप फाइनल परीक्षा का तैयारी शुरू कर दीजिए मैट्रिक वाले, और इंटर वाले तो सेंटअप एग्जाम खत्म ही हो चुका है, ठीक है। और आप लोग का जो डमी एडमिट कार्ड जो जल्द मतलब कि सेकेंड डमी एडमिट कार्ड अब आएगा, क्योंकि 18 तारीख बीत गया है, मतलब कि डेट भी खत्म हो चुका था, अब जो है आप लोग का सेकेंड डमी एडमिट कार्ड जारी होगा, और साथ ही साथ मैट्रिक इंटर का मॉडल पेपर भी जारी किया जाएगा। और पिछले साल जैसा कि मॉडल पेपर जो आया था आप लोग को दिसंबर माह के यानी कि 1 से 10 दिसंबर के बीच जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, मॉडल पेपर मैट्रिक इंटर का ऑफिशियल, ठीक है। तो इस बार भी जो है मॉडल पेपर जो है आप लोग को इस बार भी नवंबर लास्ट यानी कि 25 से 30 नवंबर या फिर 1 से 10 दिसंबर के मॉडल पेपर आएगा, उसमें भी आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है इस बार का एग्जाम में, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं बिहार बोर्ड के, अगर आप भी स्टूडेंट हैं और ज्वाइन नहीं किए तो जाके जरूर ज्वाइन करिएगा। और यहाँ देखिए 12th का फाइनल एडमिट कार्ड का लिंक सर्वर 1 सर्वर 2 है और 10th का है, तो सारा कुछ आप लोग को इस वेबसाइट में मिल रहा है। वेबसाइट का नाम बता देता हूँ studysyllabus.parveenkumar.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे हमेशा विजिट करते रहिए, आप लोग को सारा जानकारी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।